अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गुड़ वाले चावल कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आधा किलो राइस यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अभी साफ़ कर लिया अच्छे से और इसे फ़ौरन से मैं भिगो के रख दूँगी, क्योंकि जब तक दूसरी चीज़ें तैयार होंगी तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे। 1 किलो इसमें पानी यूज़ होगा, 1.5 पाव गुड़, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 9 से 10 गिरियाँ बादाम की, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून सौंफ और 1 प्याली गिरी बारीक कटी हुई। चावलों को मैंने अच्छे से धो के भिगो के रख दिया है। तब तक मैं गुड़ की चाश बना लेती हूँ। इसके अंदर मैं गुड़ ऐड करूँगी और साथ ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे कवर अप करके मैं पकने के लिए रख दूँगी। पाँच मिनट के बाद इसका पानी पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर सौंफ भी ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए और कवर अप करके रख दूंगी। सौंफ ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर अप करके रख दिया था। ये बनके तैयार है। इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे छान लूंगी छलनी से। गुड़ के शीरे को छानने के बाद छलनी में अब मैं कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। अगर आप इलायची ऐड नहीं भी करते हैं तो भी चावल सही बन जाते हैं। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये इलायची ऐड कर दूँगी। इलायची का पहले हम इसको तड़का लगाएंगे। इलायची का मैंने इसको तड़का लगा लिया है। अब मैं इसके अंदर शीरा ऐड करूंगी गुड़ का। इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी, साथ ही इसके अंदर गिरी ऐड करूंगी और बादाम के मैंने 2-2 पीसेस कर लिए थे एक में से। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे पकने के लिए। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, अब मैं इसके अंदर राइस ऐड करूंगी। राइस का मैं पानी फेंक चुकी हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी पकने के लिए। इसका पानी खुश्क हो गया है तकरीबन पूरे 8 मिनट में। अब मैं इसे तवे पे रख दूंगी लो फ्लेम पे दम के लिए। प्रॉपर टाइम मैं आपको दम के बाद बता दूंगी। 15 मिनट का मैंने इसे दम लगाया है, ये देखें। इसके नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दी है। गुड़ वाले राइस बन के तैयार है। अब मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल लूंगी। मज़ेदार गुड़ वाले चावल की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।